हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड द स्पीक। आज की इस न्यूज़ को सुनकर आप सभी शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ लक्ष्मी बॉम की सुबह से आ रही है उसने सभी को लाकर रख दिया है। यस फ्रेंड्स, लक्ष्मी बॉम जो अक्षय कुमार के करियर की, मैं ये बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है जिसमें वो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लोग उस कैरेक्टर को प्ले करने कर तब करते हैं जब उनका करियर सही नहीं चल रहा होता है। बट अक्षय कुमार इस समय अपने करियर के पीक पर हैं, जिसे हम गोल्डन एरा कह रहे हैं, क्योंकि उनकी हर फिल्म आप 200 करोड़ से ऊपर बिजनेस कमाने की कैपेबिलिटी रखती है। वहाँ ऐसी खबर आना थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है। लॉकडाउन की वजह से अब मुझे थिएटर्स अगस्त से पहले ओपन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड द अदर हैंड, लक्ष्मी बॉम के प्रोड्यूसर यानी कि तुषार कपूर, सबीना खान एंड अक्षय कुमार इसे ऑनलाइन लाने का विचार कर रहे हैं। शॉकिंग, वेरी वेरी शॉकिंग। अब अक्षय कुमार ऐसा इसलिए करने की सोच रहे हैं जिससे इस मूवी के मेकर्स और जो भी लोग इससे जुड़े हैं किसी को लॉस ना हो। और इसके डील डिज्नी प्लस हॉटस्टार से चल रही है। अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, बट न्यूज ऐसे निकल कर आ रहे हैं। अब अक्षय कुमार को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहते हैं? बिकॉज डिजिटली कमाई होती तो है, बट जिस तरह की कमाई थिएटर से होती है उस तरह की कमाई डिजिटली नहीं होती है। आप सभी जानते ही हो कि लक्ष्मी बॉम बनकर तैयार हो गई है, मेकर्स से जून में लाने का प्लान कर। अनफॉर्चुनेटली थिएटर्स अगर से ओपन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अक्षय कुमार इसे डिजिटली रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। फॉर मी इट्स नॉट ए गुड डिसीजन, बिकॉज डिजिटली रिलीज करना सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस उम्मीद में हैं कि इसे थिएटर्स में ही रिलीज किया जाए। बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।